वेलकम टू द सोलो कुक। आज हम बनाने वाले हैं डेसिकेटेड कोकोनट लड्डू, जो इजी सिंपल येट इंस्टेंट है। 10 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, लो फ्लेम करके उसमें हम डालेंगे 1/4 कप मलाई। ये मेरे आज के दूध का मलाई है जो निकला है। इसे हम एक स्टर देंगे। स्टर देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जितनी हम मलाई लेंगे उतनी ही डालेंगे। जैसे 1/4 कप मलाई लिए तो 1/4 कप शुगर लेंगे और इसे मिक्स देंगे। ये हमारे कंडेंस मिल्क का काम करेगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप ये दोनों के बदले कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हो। जब तक चीनी पिघलती नहीं तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे और ये ब्राउन कलर थोड़ा हो जाएगा, जो हमारे कंडेंस मिल्क का काम करना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि और कुछ नहीं खोपरा है, और ये होगा डबल। जो हमने 1/4 कप शुगर डाला है उसका डबल, दैट इज़ 1/2 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, और इसे एक अच्छे से मिक्स दे देंगे। इसे सेकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली गर्म होते होते अपना तेल छोड़ ही देगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से टेक्सचर भी अच्छा आएगा और इसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा वो मिल्क पाउडर सोक कर लेगा। अब इसे हम लगभग 5 मिनट तक ऐसे हिलाएंगे जब तक ये हलवे का रूप ना ले ले। अब मैंने ऑफ कर दिया है, देखिए हलवे का रूप ले लिया इसने, फ्लेम ऑफ कर दिया। फिर भी हम इसे हिलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। थोड़े देर इसे हम ठंडा करेंगे, एकदम भी ठंडा नहीं करना है, हल्का सा ठंडा, जब हम हाथ में उसको ले सके उतना ठंडा हमें करना है। फिर हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसके लड्डू बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे आप कोई भी शेप के लड्डू बना सकते हो। और फिर इसमें ये जो सूखा अलग से हम मैंने आपको दिखाया कोकोनट, उसे ऊपर चिपका देंगे। ये आसानी से एकदम ऊपर चिपक जाएगा और ये इतने यमी बने थे कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी वीडियो बनाते बनाते भी मेरा मन कर रहा है, लगता है वापस मुझे अभी तुरंत बनाने ही पड़ेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी, बहुत ही इजी है, इंस्टेंटली बन जाती है और आपके स्वीट के क्रेविंग्स को भी तुरंत ख़त्म कर देगी। डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई। ये देखिए कितने सुंदर लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं और ये ठंडे होते होते कड़क होते जाएंगे। तो अगर आप इसे एकदम ठंडा होने के बाद खाओगे एटलीस्ट 1 आवर बाद, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा आपको, और अंदर से कड़ा भी है और कोकोनट पूरा भरपूर आएगा आपके मुंह में। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, हमें टैग करिए जब रेसिपी ट्राई करो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इन्जॉय, बाय।